बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। अब तीसरे चरण के लिए राजनेता जमकर प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के अररिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि ईवीएम ईवीएम नहीं है बल्कि एमवीएम है, यानी मोदी वोटिंग मशीन है। आत्महत्या के लिए उकसाने के एक पुराने मामले में मुंबई पुलिस ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। इसे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। आपको बता दें, गोस्वामी को गिरफ्तार कर अलीबाग ले जाया गया। पंजाब के अंजाला में एक कुएं से 282 सैनिकों के कंकाल मिलने का मामला सामने आया है। शोध में ये बात सामने आई है कि ये सभी सैनिक 1947 के दंगों में नहीं बल्कि 1857 की क्रांति में शहीद हुए। मारे गए क्रांतिकारी सभी शाकाहारी थे। सैनिकों के दांत काफी मजबूत स्थिति में मिले हैं। इन सभी की उम्र 20 से 50 साल के बीच बताई जा रही है। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ संक्रमित मरीज मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अस्पतालों में बेड की कोई कमी ना हो, इसके लिए लगातार तैयारी की जा रही है। पिछले कुछ समय से दिल्ली में कोरोना के मामले काफी बढ़े हैं। इसको लेकर एक रिव्यू मीटिंग गुरुवार को होगी। गुजरात में पिराना पिपलाज रोड में इमारत में आग लगने के कारण विस्फोट हो गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने आत्महत्या के एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस मामले पर शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि गोस्वामी पे कार्रवाई बदले की भावना से नहीं की गई है। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में अर्णब ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को काफी बार निशाने पर लिया। चाहे मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत का हो या फिर पालघर में हुए साधुओं की हत्या का, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव का ऐलान बुधवार को कर दिया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने कहा कि जिला विकास परिषद चुनाव, पंचायत और स्थानीय निकाय उपचुनाव 8 चरणों में होंगे। वैवाहिक रिश्तों में जुड़े विवादों में पीड़ित को मेंटेनेंस चार्ज यानी गुजारा भत्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक दोनों पक्षों को हलफनामे के जरिए कोर्ट में अपनी इनकम से जुड़ी सभी जानकारी देनी होगी, अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। गायक आदित्य नारायण और अभिनेत्री श्वेता अग्रवाल ने हाल ही में अपनी शादी का ऐलान किया था। अब दोनों के घर शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आदित्य और श्वेता की रोका सेरेमनी बुधवार को की गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान आदित्य ने डेनिम शर्ट के साथ जीन्स कैरी की थी और वहीं श्वेता ने पिंक कलर का सूट पहना था। दोनों इस मौके पर काफी खुश लग रहे थे। आपको बता दें, दोनों की शादी दिसंबर में होने वाली है।